नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइश पे। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। शेयर का प्राइस 22-23 रुपए के आसपास था, 41 के ऊपर ये शेयर पहुंच गया है। अच्छा खासा हम लोग को डिमांड देखने को मिला है इस शेयर में, और शेयर जो है अभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे चल रहा है। मतलब शेयर जो है अभी भी यहाँ पे बोल सकते कि अच्छा खासा जो है तेज़ी बना रहा है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि IRB इंफ्रा में चल गया रहा है। छोटा अमाउंट का शेयर है, अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, डिमांड अभी भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है शेयर में। स्टॉक में चल क्या रहा है डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रही, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। दोस्तों IRB इंफ्रा के शेयर में एक दिन में 41 पॉइंट, मतलब माफ कीजिए, अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है 41.75 पैसा, एक दिन में 1% के आसपास तेजी बन रहा है। एक हफ्ते में 0.5% का इसने रिटर्न दिया है, और एक महीने में देखेंगे तो 10.2% का जो इसमें रिटर्न देखने को मिला है IRB इंफ्रा के शेयर में। फिलहाल स्टॉक को जो है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है, गेटिंग एक्सपेंसिव है। ड्यूरेबिलिटी 65 आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 30.30 आउट ऑफ 100, मोमेंटम 62.80 आउट ऑफ 100। इस स्टॉक को थोड़ा अभी यहाँ पे डिटेल में देखिए, 6 महीने में स्टॉक कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 6 महीने में इसका हाई प्राइस कितना गया दोस्तों, 43.50 पैसे का, और इसका लो प्राइस देखिए 24.95 पैसे का। मतलब 25 रुपये का शेयर था, 25 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा था, और उसके बाद शेयर 43.50 पैसे तक पहुँच गया है। 3 महीने में इस शेयर का देखते, 3 मंथ्स का 43.50 पैसा, वही उसका हाई प्राइस है, लो प्राइस 30.40 पैसा। और वही दोस्तों एक महीने का देखते हैं तो एक महीने का भी देख सकते हैं, वही उसका हाई प्राइस है 43.50 पैसे का, लो प्राइस 36.75 पैसे का। और एक हफ्ते का हाई प्राइस है 42.65 पैसे का, और लो प्राइस 40.85 पैसे का। तो ये शेयर अगर आपने 3 महीने 6 महीने के अंदर खरीदा है IRB इंफ्रा के शेयर को, तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न इसमें आपको देखने को मिला है। अभी इसका जो Q2 2024 का रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, जहां पे कंसोलिडेट जो रिजल्ट था दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त बोल सकते हैं कि इसमें कंसोलिडेट हम लोग को रिजल्ट देखने को मिला है, जहां पे टोटल जो रेवेन्यू है वो हुआ था 1,874.50 करोड़ का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 950.3 करोड़ का होता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 19.5% का था, EV/EBITDA की बात करते 924.1 करोड़ का था, एंड जो इसका नेट प्रॉफिट है 95.7 करोड़ का था। तो देखिए, एक छोटा सा शेयर और इस कंपनी का देखेंगे तो इतने सारे इसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है, जो IRB इंफ्रा है इसके इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है, तो फंडामेंटली जो ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है दोस्तों। टेक्निकली एक बुलिश लेवल पे चल रहा है शेयर। RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे, ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे, MACD इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर एक न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल अभी चल रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, एक दिन का इसका BSE और NSE मिला के एवरेज देखते तो आप देख सकते हैं जो 13.1 मिलियन का है, डिलीवरी परसेंटेज 43.4% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 5.7 मिलियन का है। एक हफ्ते का BSE NSE मिला के 19.6 मिलियन का एवरेज देखने को मिल रहा है, डिलीवरी परसेंटेज 38.4% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 7.5 मिलियन का, और एक महीने का 34 मिलियन का जो इसका BSE NSE मिला के एवरेज है वो देखने को मिल रहा है, डिलीवरी परसेंटेज 40.4% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 13.7 मिलियन का है। तो दोस्तों यहाँ पे शेयर का जो है IRB इंफ्रा का डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा है, और वॉल्यूम भी यहाँ पे शायद से और थोड़ा बढ़ सकता है, अभी जो देखने को मिल रहा है वॉल्यूम थोड़ा घटा हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए IRB इंफ्रा का बोल सकते कि जो शेयर होल्डिंग में है, प्रोमोटर्स जो है, प्रोमोटर्स के पास बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते कि 34.39% के आसपास का स्टेक जो है प्रोमोटर्स के पास है, FIS के पास 47.29% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 3.91% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 3.50% का स्टेक है, पब्लिक के पास 10.92% का स्टेक है। इसमें क्या हुआ है देखिए, जो बोल सकते कि प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स ने जो है यहाँ पे स्टेक थोड़ा बहुत बोल सकते कि घटाया है, प्रोमोटर्स ने जो स्टेक यहाँ पे घटाया थोड़ा बहुत, और वही FIS जो FIS की ओर से देखिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल में, जहाँ पे FIS के पास दोस्तों 48.37% का स्टेक था, और FIS ने जो ये स्टेक यहाँ पे घटाया है जो कि 47.29% का कर दिया। नंबर ऑफ FPI इन्वेस्टर जो है 135 था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ FPI इन्वेस्टर्स भी घटा है जो कि 129 के आसपास है। म्यूचुअल फंड की बात करते, देखिए म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है, म्यूचुअल फंड की भी अगर देखते हैं, मतलब अभी जो इन्फॉर्मेशन से अब देखने को मिल रहा है, म्यूचुअल फंड के पास भी जो शेयर था
3.65% का शेयर था म्यूचुअल फंड के पास, म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, 91% का स्टेक कर दिया है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है वो उतना ही है, 10 है। तो अभी ये कंपनी का मतलब जो टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है शेयर का आईआरबी इन्फ्रा का, वो है 52.50 पैसे का। ये एक एवरेज बोर्ड का टारगेट प्राइस है 52.50 पैसे का। हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा समय आपको होल्ड करना पड़े, और हमें नहीं लगता कि बहुत जल्दी जो ये 52 के आसपास शेयर पहुंच सकता है, क्योंकि शेयर में अगर देखेंगे अभी जैसे ही ये शेयर बोल सकते कि एक अपर सर्किट मतलब बोल सकते कि शेयर में जब तेज़ी बन रहा है तो इसमें और ज़्यादा खरीदारी हो सकता है, उसके बाद शेयर में थोड़ा बहुत गिरावट बनने को हम लोग को देखने को मिल सकता है। अभी देखेंगे तो टेक्निकली जो है ये शेयर दोस्तों आईआरबी इंफ्रा का शेयर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे चल रहा है, आप देख स्ट्रॉन्ग बाई लेवल पे चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बाई करने के लिए ज़्यादातर एनालिस्ट जो है शेयर मार्केट के बोलो कह रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग बाई पे है ये शेयर टेक्निकली आईआरबी इंफ्रा का। इसमें क्या चल रहा है चलिए एक बार थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझते हैं। आईआरबी इंफ्रा का शेयर जो कि इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और अभी भी शेयर जो है अच्छा खासा डिमांड बना रहा है, जहाँ पे शेयर देखेंगे एक दिन में ये शेयर ओपन हुआ था 41.35 पैसे में, और उसका जो हाई प्राइस था 41.90 पैसे का, और उसके बाद आप देख सकते 40.95 पैसे का इसका लो प्राइस था। वॉल्यूम देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ मतलब हो सकता है कि देखिए अभी यहाँ पे शेयर में एलएनटी फाइनेंस माफ कीजिए आईआरबी इंफ्रा के शेयर में जो अपडेट आया है, जो मतलब बोल सकते कि जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है आईआरबी इंफ्रा के में जो है कुछ ही दिनों में बहुत सारे चीज़ हुआ है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है आप देख सकते हैं, जहां पे NHAI के ओर से जो है ये अवार्ड मिला है, एंड यहां पे NHAI जो है अवार्डेड टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स ऑफ ए कम्बाइंड लेंथ जो कि 273 किलोमीटर का है, और इसका देख सकते हैं 9,384 करोड़ का है ये प्रोजेक्ट, और ये मिला है आईआरबी इंफ्रा को, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज सेड। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है इन लोगों को मिला है 9,384 करोड़ का, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हैव बीन क्लब्ड जो है यहाँ पे इंटू टू कैटेगरीज, तो कॉल्ड यहाँ पे जो है दो कैटेगरीज में इसको क्लब किया गया है, बंडल 13 एंड बंडल 14। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके चलते एलएनटी फाइनेंस के शेयर में हम लोग को एक डिमांड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखेंगे आईआरबी इंफ्रा के शेयर में जो और एक अपडेट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आईआरबी इंफ्रा को जो है और एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, और वो भी बोल सकते कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट आईआरबी इंफ्रा को मिला है 1683 करोड़ का मिला है फ्रॉम NHAI। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है आईआरबी इंफ्रा को कुछ ही दिनों के अंदर मिला है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स का जो डिमांड है वो आईआरबी इंफ्रा के शेयर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आईआरबी इंफ्रा का शेयर जिसका एक टारगेट प्राइस जो हम लोग को देखने को मिला है वो है अभी का जो एक इन्फॉर्मेशन वो है 52 रुपीज़ का, 52 रुपीज़ का एक टारगेट प्राइस आईआरबी इंफ्रा के शेयर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो